सब्सक्राइब करें हमारा चैनल न्यूज ब्रॉडकास्टिंग टीम, बेल बटन दबाएं और नोटिफिकेशंस पाएं। अयोध्या में राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक बार फिर सुनवाई टल गई है। अब इस मामले को लेकर अगली सुनवाई 3 महीने बाद जनवरी 2019 में होगी। चीफ जस्टिस की बेंच ने कह दिया है कि जनवरी में अगली सुनवाई होनी है, तो किसी तरह का सवाल नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद लगातार राजनीतिक प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने मोदी सरकार को अध्यादेश लाने की चुनौती दे दी है। उन्होंने कहा कि अध्यादेश के नाम पर कब तक अयोध्या मामले पर लोगों को बीजेपी डराएगी। ओवैसी ने कहा कि अगर 56 इंच का सीना है तो सरकार अध्यादेश लाकर दिखाए। ओवैसी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गिरिराज सिंह को अटॉर्नी जनरल बनाना चाहिए, वो CGI के सामने कहेंगे कि हिंदुओं का सब टूट रहा है। दरअसल मोदी सरकार पर मंदिर निर्माण के लिए दबाव कम नहीं है। जमीन पर कार्यकर्ताओं और मतदाताओं को जवाब देने से लेकर खुद को मंदिर निर्माण के लिए प्रतिबंध दिखाना भाजपा के लिए जरूरी होता जा रहा है। दूसरी ओर संतों ने सरकार को इस मुद्दे पर घेरना शुरू कर दिया है कि अब मंदिर निर्माण में वे देरी बर्दाश्त नहीं करेंगे। प्रियन, न्यूज ब्रॉडकास्टिंग टीम, दिल्ली।